नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। हनुमान चालीसा, सनातन धर्म मानने वाला शायद ही कोई परिवार होगा जहां हनुमान चालीसा की धुन नहीं बजाई जाती होगी। शायद ही कोई हिंदू परिवार होगा जिसका कोई ना कोई सदस्य हनुमान जी की पूजा नहीं करता होगा। हालांकि सभी घरों में ये पूजा अर्चना की जाती है और खास करके हनुमान जी को मानने वाले बहुत बड़ी आबादी में है। माना जाता है कि रामायण काल से लेकर अब तक हनुमान जी अमर हैं और उन्हें बल और बुद्धि का देवता माना जाता है। हनुमान चालीसा बजरंग बली की महिमा का गुणगान करता है, लेकिन पिछले 15 दिनों में जिस तरह से हनुमान चालीसा पर वार छिड़ी हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे को चैलेंज करने से शुरू हुआ ये पूरा मसला यूपी और साथ ही दिल्ली से होते हुए दोबारा से महाराष्ट्र पहुंच गया है। यूपी में तो लाउड स्पीकर पर बैन लगाकर योगी सरकार ने मामले को शांत करा दिया, तो वहीं दिल्ली में बवाल के बाद शांति है, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी में विपक्ष और शिवसेना के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है। इसकी एक बानगी आज देखने को मिली जब निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने मातोश्री यानी कि उद्धव ठाकरे के पुश्तैनी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज किया तो सियासी पारा गर्मा गया। फिर क्या था, शिवसैनिक नवनीत राणा के आवास के बाहर जमा हो गए, जमकर बयानबाजी की। आखिर में नवनीत राणा बैकफुट पर आ गई और मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि आज ठाकरे के चेहरे को लेकर सब कुछ उजागर हो चुका है जिससे जनता अनजान थी। उन्होंने महाराष्ट्र की तुलना बंगाल से तक कर दी। वहीं शिवसेना ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहाँ होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहाँ पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाएं हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। तो मुझे लगता है जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए। बाड़ा साहब के साथ उनके शिव सैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए। आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है और उद्धव ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है। उद्धव ठाकरे को सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ किस पे कौन सा ऑफेंस दाखिल करना है, किसको बिहाइंड दी बार भेजना है, किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करनी है, किसको तड़ी पार करना है। हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ इतना सा ही फ्रेम ऑफ वर्क बोलते हैं हम जिसको, उतना ही काम रह गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब इनसे कोई चीज़ संभली नहीं जाती तो ऐसी सारी चीज़ों को बीजेपी स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता वो राणा पति और पत्नी दो लोग क्या कहा उन्होंने, हम जाके हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर जाने देते, किसी कोने में जाके हनुमान चालीसा बोलते, घर जाते, न कोई न्यूज़ बनती, न कोई उसका कोई इम्पैक्ट होता। किंतु मुझे समझ में नहीं आता है इतने लोग जमा करना, मानो वो कोई हल्ला करने के लिए आ रहे, हमला करने के लिए आ रहे। इस प्रकार से इतने लोग जमा करना, इधर जमा करना, उधर जमा करना, इतना ही नहीं, रास्ते पर जाने वाले सभी लोगों के ऊपर हमले करना, ये कौन सी राजनीति है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवसेना को अब राणा पति पत्नी को शायद राष्ट्रीय नेता बनाना है, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके माध्यम से यहाँ पर चल रही है। अरे भाई, आपको तो ऐसे छोटे मोटे लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर शिवसेना के ऊपर हमला करने की आपको आदत पड़ गया है, क्योंकि आपकी ताकत खत्म हो गई। वो बंटी बब्लू को छोड़ दीजिए आप, ये नौटंकी है ना, ये नौटंकी, उधर जाके करो। ये बोगस कास्ट सर्टिफिकेट ये बहुत बड़ा कांड है। अमरावती की जो सांसद है उनका बोगस सर्टिफिकेट कांड है, वो दबाने के लिए केंद्र से उनको मदद मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाईकोर्ट ने उसको फटकार लगाई है, हाईकोर्ट में वो हार गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टे दिया है, लेकिन केंद्र से इस व्यक्ति को मदद हो रही है।
तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक बघेल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से, और साथ ही पीयूष पंत जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत दीपक जी आप ही के साथ में करूंगी कि आज महाराष्ट्र में जो सियासी बवाल हुआ वो हम सब ने देखा। अब शिवसेना ने उन तमाम जो घटनाएं हुई हैं उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार के अंदर आती है, बाला साहब ठाकरे जी जिस प्रकार से शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़े करते हैं, आज से मूल रूप से वो उस मुद्दे से भटक चुकी है। आज शिवसेना एक राजनीतिक दल रह गया है, ऐसा राजनीतिक दल जो सिर्फ सत्ता पाना चाहता है और सत्ता के स्वार्थ के नीचे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। जिस प्रकार चल रहा था, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे राम की बात हो, आप देखिए वहां पर किस तरह से तानाशाही रवैया बहुसंख्यकों के साथ में दिखाया गया। वहां पर बताया गया कि आप अजान चलाने के समय पर ना हनुमान चालीसा ना कोई भजन आप चला सकते हैं लाउड स्पीकर से। ये बहुत स्पष्ट नजर आता है कि एक तुष्टिकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए शिवसेना या महाअघाड़ी दल की जो जितने भी संगठन है वो सब इसी प्रकार से लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से मुस्लिम मतदाताओं को खुश करना है, चाहे बहुसंख्यकों के धर्म का सम्मान हो या ना हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक जी शिवसेना भी तो उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रही है ना जिस पर अभी तक बीजेपी चला करती थी। देखिए मनदीप जी, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और एक संगठनात्मक पार्टी है। लगातार हम अपने विचारों के माध्यम से काम करते रहते हैं और हम उनके विचारों से कभी दिखते नहीं, और शिवसेना उसमें कहीं भी नजर नहीं आती। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अगर विरोध किया तो दोनों के लिए बोला, ना आप मंदिर पे भी आप लाउड स्पीकर लगाएंगे ना मस्जिद पे भी, दोनों पर प्रतिबंध लगाए। यहाँ पर एक तरफा कार्रवाई नजर आती है और वो एक तरफा कार्रवाई दिखाती है कि आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप करते हो तो दोनों के खिलाफ करते या दोनों को इजाजत देते, पर अगर कहीं अजान चलेगी और बहुसंख्यक लोगों की जो हनुमान चालीसा उसका पाठ नहीं होगा तो क्या ये न्याय हो रहा है वहाँ के लोगों के साथ में? किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं, ना उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं, उन सबसे वंचित रखा जा रहा है। इसीलिए महाअघाड़ी दल की जो सरकार है वो ये सारे काम कर रही है। ठीक है पीयूष जी, ये हनुमान चालीसा राजनीतिक चालीसा है ये तो समझ में आ रहा है, अब क्या माना जाए कि 2024 की शुरुआत अभी से शुरू कर चुकी हैं सभी राजनीतिक पार्टियां? है और खासकर जिस तरह से जो ये है कि हनुमान चालीसा का सुंदर कांड चल रहा है और ये पूरी की पूरी कवायद वही चुनाव को लेकर है 2024 के अलावा जो महाराष्ट्र का भी चुनाव होने वाला है, तो ये पूरी तैयारी उसी को लेके है और एक तरह से पूरा ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि देखिए जैसे कि अभी दीपक जी कह रहे थे, तो ये जो सत्ता में आने का अगर शिवसेना करती है तो भारतीय जनता पार्टी का भी वही उद्देश्य रहता है कि किस तरह सत्ता में आया जाए, और उसके लिए वो तमाम जिस तरह के जो है कि प्रपंच करती है। और आप देखिए हनुमान चालीसा भी ये कहां से शुरू हुआ, ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही शुरुआत करी, उन्होंने ये बात कही। महाराष्ट्र में भले ही जो है कि वो राज ठाकरे ने कहा हो, लेकिन और जगह जो है पूरे आप चाहे देख लीजिए उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, और दूसरे जो इलाके हैं राजस्थान हो, सब जगह तो भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह की बातें कर रही है लगातार जो है। और अजान जो है मस्जिद से किए जाने वाली एक जो उनकी धार्मिक एक प्रक्रिया है वो होती है, उसमें हनुमान चालीसा उसके खिलाफ एक जो है लेके या उसके बराबरी में लाके हनुमान चालीसा देखिए एक बहुत ही दूसरी तरीके से लोग उसका पाठ करते हैं, अपने घर में करते हैं, मंदिरों में करते हैं, बैठ के करते हैं, और इस तरह से वो कोई पब्लिकली कोई नहीं करता इस तरह से। तो इस तरह से ये जो आप उसी टाइम में जिस टाइम में अजान हो रही है उसी टाइम में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और जो है सड़कों पर बैठ के करें और जो है कि क्या नाम उद्धव ठाकरे के घर के सामने करें, तो ये सब तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक हथियार के रूप में धर्म का जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें हनुमान जी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो पहले तो रामचंद्र जी को भी सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था, तो हनुमान जी को भी नहीं बख्शा जा रहा है और उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक जो है चुनावी राजनीति है, उसके तहत जो है एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, वो दूसरी पार्टियां भी कर रही है, शिवसेना भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो ये सबसे बड़ी निंदनीय बात है कि आप जो है जो जो चीजें जो है व्यक्तिगत अपनी व्यक्तिगत आस्था की चीजें हैं,
जो आदमी अपने घरों में करता है, अपने मंदिरों में करता है, अपने मन में करता है जगमान चालीसा का पाठ, उसको आप पब्लिक में ले आइए और एक जवाब के रूप में ले आइए, राजनीतिक जवाब के रूप में कि साहब वो तो अजान की जाती है तो हम भी जो है कि ये करेंगे। तो इसमें वही है, गुंडागर्दी की बात अभी वो कह रही थी, महिला जो है जिनको रोका गया वहां हनुमान चालीसा करने से, तो गुंडागर्दी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जिस तरह से करते हैं वो करते हैं, राज ठाकरे के लोग भी गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, तो हर पार्टी के लोग अब इस समय इस तरह के एलिमेंट्स ज्यादा हो गए। और अगर आप धर्म को इतना ज्यादा हाईलाइट करेंगे और धर्म का इस्तेमाल करेंगे राजनीति में तो इस तरह की गुंडागर्दी होगी, क्योंकि फिर हम कहते हैं ना कि धर्म जो है एक अफीम होता है, अफीम की तरह उसका प्रभाव होता है, आप कुछ आगे पीछे सोचते नहीं है, एक नशा चढ़ जाता है आपको, उस नशे में आप कुछ भी करते चले जाते हैं बिना सोचे समझे। तो वही हम देख रहे हैं कि लोग जो है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कि अरे वो तो एक धार्मिक चीज है, उसको आप बड़ी नम्र भाव से पाठ किया जाता है, आप जो है लोगों के साथ मिल बैठ के बात करते हैं, प्रेम से उसका पाठ किया जाता है, न कि उसको गुंडागर्दी के तरीके से, या आप उसमें जो है कि आप पॉलिटिकल स्कोर करें कि साहब नहीं हम तो जो है कि ये करेंगे तुमको दिखाएंगे हम कैसे हम करते हैं। तो ये दिखाने की चीज नहीं है हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ अपने अंत के शुद्धिकरण की चीज है, अपने घर में बैठ के करने की चीज है, मंदिरों में बैठ के करने की चीज है। अगर आप अजान को बात लेते हैं तो जिस तरह से घंटा बजता है, घड़ियाल बजता है हमारे मंदिरों में, उसकी आप तुलना करिए तो बात कुछ समझ में आती है, लेकिन हनुमान चालीसा कहीं मेल नहीं खाती है अजान से, कहीं आप उसके जवाब में आप हनुमान चालीसा का पाठ लेके आ रहे हो। ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक चाल है जिसे मैं कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी और जो है MNS की तरफ से जो ये चली जा रही है, और चूंकि ये इनसे पचाया नहीं जा रहा महाराष्ट्र में, किस तरह से जो है उद्धव ठाकरे की सरकार अभी भी चल रही है वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पिछले बार सरकार बनाते बनाते वो चूक गई, इस बार कम से कम वो स्थिति बने कि इनको इतनी सीटें मिले जिससे कि ये सत्ता में आ सके, महाराष्ट्र की सत्ता में, और इसके लिए इनको सबसे सरल उपाय दिखता है ध्रुवीकरण करने का, और उसी के लिए ये तमाम चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन पीयूष जी, अगर हम ध्रुवीकरण की राजनीति की बात करें तो शुरुआत देखिए बीजेपी से ही होती है, सबसे पहले आरोप बीजेपी पर ही लगते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती है हमेशा, और इलेक्शन के दौरान ये ज्यादा देखने को मिलता है। दीपक जी, हमेशा ध्रुवीकरण को लेकर बीजेपी पर ही आरोप लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से लाके खड़ा किया, जो बहुसंख्यक लोग थे उनके आस्था के केंद्रों को पुनर्जागृत करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और इसमें हमें बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात को बोलने में। हम बहुत लंबे समय से गुलामी के वर्षों से जीते हैं, और आज अगर हमें मौका मिला और हमने उसको किया है तो इसमें क्या बुराई है। आज से 15वीं सदी में, आज से लगभग 600 वर्ष पहले खुद रवि जी ने कहा था, साकर पाकर जोड़ के मस्जिद लड़ी चुनाए, ताकड़ी मुल्ला बांगे का बहरा हुआ खुदा है। तो मतलब इनको अजान तो अच्छी लग रही है, परंतु इनको हनुमान चालीसा बुरी लग रही है। आप अभी ये कह रहे थे कि प्रपंच, इसमें किस प्रकार का प्रपंच है? अगर हम अपनी आस्था को अपने देश में नहीं कर सकते तो हम पाकिस्तान में जाके करेंगे या अफगानिस्तान में जाके करेंगे? ये भारत देश है, भारत देश के अंदर हमें संपूर्ण रूप से, यानी कि किसी दूसरे के घर के बाहर जाके हनुमान चालीसा की जाती है तो वो ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं आप? अमनदीप जी, आप ये बताइए कि सुबह 5 बजे किसी दूसरे के घर में वो आदमी सो रहा है और वहां पे अजान चलाई जाती है, क्या ये ठीक है? इस बात पर एक शब्द नहीं बोलना चाहते, क्या ये ठीक हो रहा है इस देश के अंदर? और ये लगातार हो रहा है और बहुत लंबे समय से हो रहा है, उस पर एक टिप्पणी नहीं आती इनकी। आज ये तुष्टीकरण की राजनीति में इतना हो गए कि इन्होंने अपने धर्म को और हिंदू धर्म को बिल्कुल दता कर दिया। कितने लंबे समय से लगातार होता आ रहा है ये सारी चीजें, आज इनको अगर रोकने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, और हमें इस बात पर गर्व है, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं। तो दीपक जी, उन विकास के मुद्दों पर ही रही है ना, ये अजान और साथ ही राम मंदिर का मुद्दा हो गया, अजान हो गई, आरती हो गई, इन मुद्दों को राजनीति में लाने की मंशा क्या है? सवाल तो फिर उठेंगे ध्रुवीकरण के। अजय चौबी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नेता हैं शिवसेना से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। नवनीत राणा का बयान सामने आता है कि वो मातोश्री के सामने जाके हनुमान चालीसा करेंगी, उसके बाद में पार्टी में इतनी बौखलाहट क्यों मच जाती है सर? अजय जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर कुछ टेक्निकल खामी है तो मैं चाहूंगी उसको आप दुरुस्त कीजिए। ठीक है पीयूष, अभी तो देखिए 2 साल बाकी है, उससे पहले ही इस तरह की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब जैसे कि दीपक जी बोल रहे थे, वो भी आपने सुना कि अजान को लेकर क्यों नहीं बोला जाता है,
आरती और हनुमान चालीसा को लेकर ही क्यों सवाल उठाते हैं, तो सीधी सी बात है कि यहां तो जनता को बांटने की कोशिश शुरू हो चुकी है, यानी कि राजनीतिक फायदे के लिए तमाम राजनीतिक दल अभी से शुरुआत कर चुके हैं। ये क्या इशारा करते हैं, किस और संकेत देते हैं कि आखिर देश किस और अग्रसर हो रहा है? देखिए दीपक जी जो बात कह रहे हैं उसके मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिन्होंने कबीर जी को जो है कोट किया है उसमें, तो कबीर जी ने तो ये भी कहा, हिंदुओं के लिए भी कहा गया है उसमें, उन्होंने कहा है, उन्होंने यह कि कर का जो है कि कर का मन का डाक दे, मन का फिर, ये जो दिखावा करते हैं हिंदू जो है कि हाथ में माला लेके जपते रहते हैं और करते कुछ और हैं, तो वो त्याग देना चाहिए और मन में जो है ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो इसकी भी बात ये करनी चाहिए। कबीर दास ने मुसलमानों की जो कठमुल्लापन है, हिंदुओं का कठमुल्लापन है, उन दोनों के खिलाफ बात कही, और इसीलिए वो कबीर दास की बहुत बहुत सम्माननीय थे और उनके आज भी उनका रिलेवेंस है, और आज तो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये कठमुल्लापन न केवल मुसलमानों के बीच ये घर बैठ गया है, वो तो पहले से भी था, अब हिंदुओं में भी वो बैठ गया है, वो बहुत 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 तरीके से बहुत बड़े स्तर पर ये आ रहा है, और सामने खासकर भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। अब जहां तक देखिए हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़े, अजान है, अजान एक प्रक्रिया, देखिए हनुमान चालीसा आप पढ़िए, पढ़ते हैं घर पे, सब पढ़ते हैं आज से नहीं, और अजान से दीपक जी की क्या नींद कभी खराब हुई, ये बताएंगे कभी इनकी नींद खराब हुई, ये सोते रहे खर्राटे मार के सो रहे होंगे उस समय, इनको पता भी, ये खर्राटे मार के अमनदीप जी ये खर्राटे मार के सो रहे होंगे, इनको पता भी नहीं होगा अजान हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वाजिब सवाल आपने यहाँ पर उठाया, ठीक है, एक एक कर अपनी बात रखिए। दीपक जी ये बताइए कि अजान देश में पहली बार तो नहीं हो रही, ना ही ऐसा है कि कुछ समय पहले से या कुछ सालों से पहले से इसकी शुरुआत हुई हो, देश में नजाने कब से अजान को लेकर ऐलान होता है, माइक से होता है, तो इसमें इतने सालों से जो कोई दिक्कत नहीं हुई, खामी नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, तो उसको लेकर अब राजनीति क्यों शुरू कर दी गई है? अमनदीप जी यही समस्या है इस देश के अंदर, और बहुत लंबे समय से लगातार चली आ रही थी, हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद में भी इस देश के अंदर अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, और उस उपेक्षित होने के कारण ही कई सारी घटनाएं होती थी, और उसके बाद आज जब सत्ता में आए या कई सारी चीजें आज हमारे अनुरूप हुई है, तो आज अनुकूलता के माहौल में आप अपनी आस्था और धर्म के विषयों पर आप खुलकर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम उस बात को खुलकर कह रहे हैं कि देखिए आज हिंदू धर्म है, भारत देश भारत की जंग बना हुआ है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन अजय चौबे जी हमारे साथ में जुड़ गए, पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी, आखिर क्या वजह रही कि हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद में इतनी बौखलाहट पार्टी में? नहीं, पार्टी में तो कोई बौखलाहट, हनुमान चालीसा जहाँ वहाँ पड़े, और हाँ। ये सबसे बड़ा चीज, ये चीज उनको लोग को समझना चाहिए, सूर्य को दिया नहीं दिखाया जाता है, सूर्य को दिया नहीं दिखलाया जाता है, इसको ध्यान में रख करके ये लोगों को काम करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। यदि भगवा जिस समय लोग नहीं बांधा करते थे, डरते थे, उस समय शिवसेना भगवा बांध करके चला करती थी या लड़ती थी, और आज भी लड़ रही है, जहां तक लाउड स्पीकर और तमाम चीज की बात है, बनारस जैसे क्षेत्र में ज्ञानवापी जहां परिषद है वहां पर लाउड स्पीकर लगा रहा था, उस समय इनकी सरकार हुआ करती थी, ये लोग हटा नहीं पाते थे, और हम लोग लड़ करके उस लाउड स्पीकर को भी हटाने का काम किया करते थे, तो वो समय काल ही वो अपना भूल गए जो संबंधों का था, मगर जाने दीजिए, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, मगर इतना जरूर हम आपसे कहेंगे सूर्य को कभी दिया नहीं दिखाया जाता है, ये लेकिन अजय जी नवनीत राणा तो नहीं पहुंची मातोश्री, लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर पहुंच गए उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, आखिर वजह क्या थी कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते हैं उनके घर के बाहर, नारे लगाए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है, और तो और मातोश्री के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तो तैनात है, ठीक बात है, लेकिन वहां पर भी कार्यकर्ता मौजूद है। भाई सबसे बड़ा चीज है कि सबको अपने आप को हाईलाइट उसी जगह करना है जहां चीजों को करना नहीं चाहिए, मगर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत का हम लोग घोर निंदा करते हैं, अजय जी अभी भी हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में नवनीत राणा के घर के बाहर कार्यकर्ता मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है इस प्रदर्शन का, क्या मतलब क्या उद्देश्य है इसका?
नहीं, उद्देश्य ये लोग ये दिखलाना चाहते हैं कि हम लोग जो धर्म की लड़ाई और जो अपने हिंदुत्व की लड़ाई, अपने राष्ट्र की लड़ाई करते हैं, उस लड़ाई को ये लोग भूल चुके हैं। इनको ये चीज हम लोग को गलत तरीके से नजरिया के बीच में रखना चाहते हैं। जो कि हिंदुत्व के लिए लड़ाई सबसे अधिक शिवसेना लड़ती है, चाहे वो आतंकवाद का हो चाहे कुछ हो, इनको शायद ये मालूम नहीं होगा। फिर तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, हिंदुस्तान में तमाम घरों के अंदर हनुमान चालीसा होती है। नवनीत राणा का इस पर बयान भी सामने आया, उनका कहना था कि वो तो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करती, तो फिर इससे क्या दिक्कत है शिवसेना को? शिवसेना को कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान चालीसा आप वहां पर पढ़िए जहां स्थान मंदिर पर पढ़िए, आप दिखाने वाला क्यों काम करते हैं? दिखाने का जहाँ चाहिए वो दिखलाइए ना, वो चीज दिखलाइए जो चीज जरूरी है। जो कश्मीर में आतंकवाद विस्फोट कैसे हो जा रहा है, कहाँ से आ जा रहा है आतंकवादी, कहाँ से घुस जा रहे हैं, उसमें किस तरह से घुस जा रहे हैं, ये गलत है। जो गलत है उसको सही दिखलाइए, जो सही है। और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो नवनीत राणा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो ठीक है? नहीं नहीं, वो तो वो उनकी सोच जो गलत है, उस सोच ठीक है या गलत है सर? सही है या गलत है, विरोध प्रदर्शन पर बोलिए, सही है या गलत नहीं है? विरोध जो हो रहा है वो हम लोग जो कर रहे हैं सैनिक सही कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है सही नहीं है, इसलिए उनको सही करने के लिए विरोध होना जरूरी है। तो यही तो आरोप नवनीत राणा भी आपकी पार्टी पर लगा रही है ना, कि संकट हरने के लिए हनुमान जी को याद कर रही थी, इसीलिए मातोश्री के बाहर जाकर वो ये हनुमान चालीसा करना चाहती थी, वो भी यही आरोप लगा रही है आपकी पार्टी पर? नहीं नहीं, आरोप वो जो भी लगा वो उनका लोकतंत्र है, जो जिस पर जो आरोप लगाना, मगर जो सत्यता है वो सत्यता रहेगा। अच्छा ठीक है, ये बता दीजिए ये विरोध प्रदर्शन कब तक रहेगा घर के बाहर? घर के बाहर जब वो गलत तरीके जब करेंगे तो उसके तरफ प्रदर्शन होता रहेगा। सैनिक तो ठान लेते हैं तो करके रहते, चाहे वो जो भी जाए, चाहे वो ज्ञानवापी हो। अजय जी यही तो जानना चाह रही हूँ कि आखिर क्या मंशा है, किस उद्देश्य से घर के बाहर पहुंचे हुए कार्यकर्ता? भाई मंशा यही है कि जो गलत नीति उनकी सोच, जो सोच को हटाने की बात किया जा रहा है, वो सोच हटाइए, सही दिशा में लाइए। तो घर के बाहर पहुंचकर आप सोच बदल देंगे उनकी? ठीक है, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं उनको सुन लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से ये लगातार जिस सोच को बदलने की बात कर रहे हैं, किस सोच को बदलना चाहते हैं, ये ना तो हनुमान चालीसा का मतलब जानते हैं और ये ना क्या कहते हैं इनके अजान का मतलब जानते हैं। आपको पता है अमनदीप जी अजान का मतलब क्या होता है? अल्लाह हु अकबर अकुल्ला, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अशहदुल्ला ला इलाहा इल्लल्ला, इसका मतलब ये है कि उसके अलावा कोई किसी का अस्तित्व मानना ही नहीं चाहिए। ये दो चीज है जो लगातार वो बोलते हैं और इससे हमें कष्ट ना हो, ये ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं और उनको बढ़ावा लगातार देते आए हैं। और जहाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जहाँ ज्ञान की बात हो रही है शुरू से, हम किसी को नकारने की बात नहीं करते, पर इनके धर्म में तो शुरुआत की पहली लाइन में ही नकारने का बात करते हैं, वहां केवल अल्लाह को ही बड़ा बनाया जाता है। तो एक बात बताइए अमनदीप जी, इससे कष्ट नहीं होगा? हमारे धर्म में तो सबको समायोजित करने की बात है, लगातार समाहित करके लगातार हिंदुत्व बढ़ा जा रहा है और लगातार कितने वर्षों से लगातार आ रहा है, हिंदुत्व एक विचारधारा है जो लगातार चलती आ रही है और उसमें हमने सबको समाहित किया। परंतु जब कोई ऐसा धर्म जो कहे कि अल्लाह के सिवा कोई बड़ा ही नहीं है तो हमें कष्ट होगा, और अगर उसको हमें सुबह उठ के 5 बजे ही सुनना पड़े तो सबसे ज्यादा कष्ट होगा, और यही कष्ट आज वहां का बहुसंख्यक समाज झेल रहा है। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं अजय चौबे जी से। इससे जो ये इन्होंने भाई साहब ने बोला ये सब चीजों के लिए तो हम लोगों ने बहुत पहले ही भी कहा था कि ये सुबह के समय जो अल्लाह जो होता है ये चीज को रोका जाए, पढ़ाई से लेकर के तमाम चीजों पर समस्याएं आती हैं, और उसके बाद जब ये सब चीजें हो तो इसका आर्डर लेकर के ही इस चीज को लाउड स्पीकर या सब चीजों को करना चाहिए। मगर अपने कुछ जो राजनीतिक दल के लोग थे उस समय अपना रोटी सेकने के लिए, अपने एक समूह को खुश रखने के लिए ये लोग किए। हम लोगों ने वहाँ आरती का आरंभ किया हर जगह, उस पर भी लोगों ने आपत्ति जताई। जो हम लोगों ने कर चुके, जो हम लोग किए हैं, उस चीज को आप हमको बार बार हमको लोग को दिखलाएंगे आईना तो वो गलत है। ठीक है ठीक है दीपक जी, इससे पहले आप दोनों की तुलना करके मुझे बता रहे थे, मुझे लगता है संविधान की भी जानकारी होगी आपके पास में। जी जी सर। तो फिर इस तरह की बातें करना आपको शोभा नहीं देती है सर? जी देखिए बिल्कुल इस प्रकार की बातें हमें शोभा नहीं देती, परंतु एक बात बताइए, उसी संविधान पर फिर भी आप करेंगे, आपको शोभा नहीं देती है पर फिर भी आप करेंगे? चलिए अमनदीप जी आप सुन लीजिए, अमनदीप जी आप सुन लीजिए, वहाँ एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और धर्म के अजान के समय पर आप उसे खुले में छूट दे रहे हैं। कैसे कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? नासिक के अंदर महाराष्ट्र में सबसे पहले यही किया गया कि जब आप अजान बजेगी तो उससे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक आप
हनुमान चालीसा किसी भी धर्म का लाउड स्पीकर वहां पे चलाने की इजाजत नहीं है, ये वहां पे प्रशासन ने किया, ये किसने किया, ये हमने किया है क्या? वहां पे हिंदू धर्म के लोग नहीं है क्या? उनके संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या? हम लोगों के संवैधानिक अधिकार नहीं है? तो संविधान के दायरे में रहकर कीजिए ना सर, संविधान के दायरे में रहकर कीजिए ना। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर वही सवाल खड़े होंगे कि मुस्लिम इस देश में असुरक्षित महसूस करते, फिर वही सवाल खड़े होंगे। सर मेरे पास वक्त की कमी है, पीयूष जी ठीक नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से लगातार बहुसंख्यक लोगों के दबाया जा रहा है वहां पे एक मुस्लिम तस्करण की राजनीति के लिए कुछ लोगों को इजाजत दी जा रही है, अगर मना करें तो दोनों के लिए मना करें। ठीक है, जल्दी से अजय जी को सुन लेते हैं। अजय जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। मैं इनका इतना जवाब देता, जहाँ हिंदू हिंदू कट्टरता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, उसी हाँ। जगह बनारस में माधोरा धरारा है जो अंग्रेजों के औरंगजेब के द्वारा मंदिर को तोड़ करके बनाया, पूरा तत्व की संपत्ति है। वहाँ पर हमने लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम किया था 18 साल पहले, हम लोग को 5 दिन के लिए जेल हुआ था, आज भी तिरंगा गिरफ्तार होता है। तो क्या इस विषय के लिए कभी लोगों ने सोचा है कि तिरंगा क्यों गिरफ्तार है, एक समूह को क्यों खुश रखा जाता है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब चीजों को अनदेखा करना मत करें। फिर मैं कह रहा हूँ सूर्य को दीपक दिखलाना बंद करें। ठीक है पीयूष जी, यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो चुका है कि आखिर हिंदुत्व का बड़ा चेहरा कौन है। मेरे पास वक्त की कमी है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ पे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अभी भी नवनीत राणा के घर के बाहर तमाम बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। हालांकि नवनीत राणा ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो हनुमान चालीसा नहीं करेंगी। ये सियासत आगे क्या मोड़ लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।